नमस्कार दोस्तों, आज न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन आवर टॉपिक। सो टुडे इज म्यूकर सब डिवीजन जाइगो माइकोटीना। अभी तक आपने पढ़ा था मैस्टिको माइकोटीना, लेकिन आज से न्यू टॉपिक है जाइगो माइकोटीना। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे संसार भर में यह स्पेसीज या जीनस पाया जाता है। 15 स्पेसीज आर रिपोर्टेड इन वर्ल्ड, पूरे संसार भर में 50 स्पेसीज रिपोर्ट की गई है। अदर नेम इसको कहते हैं ब्लैक आर ब्रेड मोल्ड एंड पिन मोल्ड के भी नाम से जानते हैं इसको। हैबिटेट कहाँ आवास करता है, कॉमनली फाउंड इन सॉइल, सॉइल में रहता है। ब्रेड, जैम, जेली एंड अदर डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये अधिकतर सप्रोफाइट फंगस है इसलिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही ग्रोथ करता है। कोप्रोफिलस फंगस एक प्रकार होते हैं, ग्रो ऑन ओनली काउ डंग, जो शाकाहारी पशुओं के गोबर पे आते हैं उस तरह के पशु को हम कोप्रोफिलस फंगस कहते हैं, जिसमें पाइलाबोलस होता है, घोड़े की लीद पे आता है। हर्बोरियस फंगस होते हैं, इसको हर्बोरियस फंगस के भी नाम से जाना जाता है। सेप्रोफाइट ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म, हमेशा मृत जीव पदार्थ पे आते हैं। इस तरह के फंगस को हम सेप्रोफाइट फंगस कहते हैं, राइट। सेलवाल, सेलवाल काइटिन की बनी होती है। देखिए फंगस जो सेलवाल होता है उसे काइटिन की बनी होती है। ये डिजीज ग्रो भी कुछ करते हैं, जैसे रॉटिंग ऑफ एप्पल एंड पियर, पियर में और एप्पल में रॉटिंग के कार्य करते हैं। एंड ह्यूमन में ईयर म्यूकस टाइप में हो जाते हैं, जिसे कान दर्द करने लगता है, कान दर्द करने लगता है। सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन जाइगो माइकोटीना, क्लास जाइगो माइसिटीज, आर्डर म्यूकरेल्स, फैमिली म्यूकरेसी, जीनस म्यूकर एंड इंडिकर, बहुत सारी स्पीसीज जिसकी होती हैं जो कार्य करते हैं, राइट। अब सिस्टमेटिक सोमेटिक स्ट्रक्चर, देखिए सोमेटिक स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि सब डिवीजन जाइगो माइकोटीना फंगस है, इसलिए माइसिलियम इसके नॉन सेप्टेड होंगे, हाईली ब्रांचेस होंगे, व्हाइट टू ग्रे कलर का होगा एंड टर्न ब्राउन हो जाएगा। पहले व्हाइट रहेगा, फिर ग्रे होगा, अंत में टर्न ब्राउन कलर में जाएगा। एब्जॉर्ब फूड मटेरियल ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में ये भोजन सबस्ट्रेटम से प्राप्त करते हैं, राइट। अब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन देखिए दो तरह से होता है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियम, लाइक जैसे आपने यहां देखिए नॉन सेप्टेड हाइफा, सेप्टेड आर जनरली नॉन सेप्टेड, एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल ग्लाइकोजन एंड ऑयल, एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आर आउट ग्रोथ स्पोरेंजियम इरेक्ट लाइक वर्टिकल, इट इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्फेरिकल स्पोरेंजियम बनता है एंड डैम शेप कॉलुमेला उसके अंदर बनता है। कब? जब रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया गल्जी बॉडीज ऊपरी हिस्से पे इकट्ठा होने लगते हैं, तो ऊपरी हिस्से स्वेलिंग हो जाता है, इसे टर्मिनल इन पोजीशन भी कहते हैं, और उसी में से डैम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको हम कॉलुमेला कहते हैं, इसको स्ट्राइल कॉलुमेला के भी नाम से जाना जाता है। तो स्पोरेंजियम इन प्रोड्यूस मेनी अप्लेनोस्पोर, आफ्टर सम टाइम अप्लेनोस्पोर मैच्योर देन स्पोरेंजियम आर ब्रस्ट एंड अप्लेनोस्पोर आर फ्री। अप्लेनोस्पोर, अप्लेनोस्पोर आर स्फेरिकल एंड यूनिन्यूक्लिएट, इमीडिएटली अप्लेनोस्पोर जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड डायरेक्ट जर्मिनेशन एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा, हाइफा डेवलप करेंगे, हाइफा सिरेक्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इसी स्पोरेंजियम के ऊपर एक डैम से स्ट्रक्चर पहले डबल बनेगा, उसको हम कॉलुमेला के नाम से जानते हैं। कॉलुमेला के ऊपरी हिस्से में स्फेरिकल स्पोरेंजिया बनेगी, उसी के अंदर स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम का निर्माण होगा, उसी के ऊपर स्पोरेंजियम बनेगा, उसी के अंदर अप्लेनोस्पोर का निर्माण होगा, फिर अप्लेनोस्पोर जब मैच्योर कंडीशन में होंगे तो स्पोरेंजियम और फट जाएगा और स्पोर बाहर निकल जाएंगे, फिर ये जर्मिनेट करते हैं, एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं, राइट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर होता है आइसोगैम टेंजिया टाइप, आइसोगैम टेंजिया मतलब मेल एंड फीमेल सिमिलर शेप एंड साइज, इट इज कॉल्ड आइसोगैम टेंजिया। जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर एक जैसे होता हो उसको हम कहते हैं आइसोगैम टेंजिया। एक प्लस की स्ट्रेंथ से हम इंडिकेट करते हैं, दूसरे को माइनस इंडिकेट करते हैं, दोनों आपस में डेवलप करते हैं और क्लब से भी स्ट्रक्चर डेवलप करता है, उसको हम प्रोग्राम टेंजिया करते हैं, प्रोग्राम टेंजिया कहते हैं। क्लब से भी स्ट्रक्चर
डेवलप इन सस्पेंसर, दोनों आपस में टच कर जाते हैं, तब सस्पेंस कर जाते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। इसी जाइगोस्पोर की खोज सबसे पहले ब्लैक्सली 1904 ईस्वी में किए थे, इसी को हम कहते हैं जाइगोस्पोर, जिसको ब्लैक्सली साहब ने 1904 ईस्वी में खोज किया था। अब जाइगोस्पोर आर ड्रॉप इन बोथ हाइफा एंड इच जाइगोस्पोर इज ए स्फेरिकल अपर लेयर एक्सो लेयर एंड इनर लेयर एंडो लेयर। इच जाइगोस्पोर जर्मिनेट एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप इन जाइगोस्पोर माइग्रेट इन अपर लेयर होल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड टिप ऑफ स्वेलिंग एट द टिप्स ऑफ लाइक कॉलुमेला एंड जर्म स्पोरेंजियम प्रोड्यूस द मेनी अ प्लेनोस्पोर जर्म स्पोरेंजियम रप्चर्ड एंड अ प्लेनोस्पोर आर फ्री इन दिस एनवायरमेंट। अ प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल एंड स्फेरिकल ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर। अ प्लेनोस्पोर जर्मिनेट एंड जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा। यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो कभी ए सेक्सुअल कभी सेक्सुअल। बच्चों आपको इसमें ध्यान देना है, ये फंगस को याद रखना है, पूरे संसार भर में पाए जाते हैं, ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अदर नेम इनको ब्लैक मोल्ड पिन मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। हैबिटेट कॉमनली फाउंड सॉइल पे होते हैं क्योंकि सैप्रोफाइट होते हैं। आपको एक टर्म है कि ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म, हमेशा मृतजीवी पदार्थ पे उगते हैं। इस तरह के फंगस को हम सैप्रोफाइट फंगस कहते हैं। सड़े गले पदार्थों पे उग जाते हैं, फ्रूट सड़ रहा उसके ऊपर उग जाते हैं, और उनकी सलवार हमेशा काइटिन की बनी होती है, और सिस्टमेटिक पोजीशन हमेशा जाइगोमाइकोटिना का फंगस है, इसलिए सब यून जाइगोमाइकोटिना होगा। क्लास जाइगोमाइसिटीज होगा, ऑर्डर म्यूगरेल्स होगा, फैमिली म्यूगरेसी। ये सब आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, हाइफा डेवलप करेगा, स्पोरेंजियम फोर का निर्माण होगा, उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया का कॉलुमेला बनेगा, प्लेनोस्पोर बनेगा, प्लेनोस्पोर जर्मिनेट करेगा, न्यू हाइफा बनेगा। उसमें इसमें आइसोगैमेटिनिया टाइप होता है, जिसको दो हाइफा आपस में एक जैसे समान आकार प्रकार के होते हैं, दोनों आपस में क्लब से स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, क्लब से आपस में मिल जाते हैं, इसको कॉपुलेशन भी कहते हैं, और वहीं से जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। फिर यही जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है, फिर उसके अंदर जर्म स्पोरेंजियम कॉलुमेला बनते हैं, फिर जाइगोस्पोर जो कॉलुमेला बनते हैं जर्म स्पोरेंजियम बनता है वो रप्चर कर जाता है, फिर प्लेनोस्पोर बाहर निकल जाते हैं, फिर हवा में उड़ने लगते हैं। इस वातावरण में बहुत सारे सैप्रोफाइट फंगस उड़ते रहते हैं, और कोप्रोफिलस फंगस भी इसी को कहते हैं, पाइलाबोलस भी इसमें आता है। तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए, देख लीजिएगा, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, और सबको बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए। थैंक यू।